हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब कभी हमें ट्रेन का तत्काल टिकट बुक करना होता है तो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास यही आती है कि जैसे ही विंडो ओपन होती है और उसकी सारी सीटें बुक हो जाती हैं, यानी कि आपको सिर्फ 30 सेकंड या एक मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगता है और आप जिस ट्रेन में सीट बुक करना चाहते हैं वह सीट उसकी सारी सीटें बहुत ही जल्दी बुक हो जाती हैं। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि हो सकता है कि आप अपना तत्काल टिकट बहुत ही कम समय में आप अपना बुक कर सकते हैं। मैं हूं दीपेंद्र, आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सीपी ज्ञान में। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि इसी तरह के लेटेस्ट और यूनिक कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, तत्काल टिकट हम ट्रेन के जब ट्रेन अपने गंतव्य स्टेशन से छूटती है उससे एक दिन पहले ही हम बुक कर सकते हैं, और तत्काल टिकट बुक करने का एक निश्चित टाइम है, यानी 9 बजे और 10 बजे। इसी तरीके से सिर्फ निश्चित टाइम पर ही हम तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं, हर समय तत्काल टिकट बुक नहीं होता है। तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपको टाइमिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपने जैसे ही विंडो ओपन होती है कई सारे लोग एक साथ उस पर रिजर्वेशन करने की कोशिश करते हैं, और जिनका पहले रिजर्वेशन हो जाता है, जिनका ट्रांजेक्शन पहले हो जाते हैं, उनको सीट मिल जाती है, बाकी जिनका रह जाता है पीछे रह जाते हैं, उन्हें सिर्फ वेटिंग में ही टिकट मिल पाता है। मैं आपको एक बहुत ही एक ऐसा तरीका, कॉमन तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने IRCTC अकाउंट से मोबाइल द्वारा आप मास्टर लिस्ट को तैयार करके आप अपना तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं, जिसमें आपकी टाइम की बचत होगी और आपका टिकट भी बुक हो सकता है। मास्टर लिस्ट को कैसे ऐड करते हैं यह हम जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल में IRCTC ऐप को ओपन करना है। आपको IRCTC ऐप को ओपन करना है। इसके बाद ये जो लॉगिन बटन दिखाई दे रहा है इस पर हम अपना पिन और कैप्चा डालकर हम इस पर लॉगिन होते हैं। हम इसमें अपने ऐप में लॉगिन हो चुके हैं, और यहाँ पर जो नीचे ये देख पा रहे हैं आप, होम, माई अकाउंट, माई ट्रांजेक्शन एंड मोर, इस पर हम माई अकाउंट पर जाएंगे और इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर 1, 2, 3 तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है माई मास्टर लिस्ट। अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी इसमें एरर फाउंड आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी इसमें कोई मास्टर लिस्ट ऐड नहीं किए हूँ, तो एरर नो रिकॉर्ड फाउंड, इसको हम ओके करेंगे। इसके बाद ऐड पैसेंजर पर जो कॉर्नर में दिखाई दे रहा है इस पर ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे, और हमें पैसेंजर की यहाँ पर डिटेल भरनी है। आप किस तरीके से पैसेंजर टाइप में नॉर्मल या आप डिसेबल हैं या जर्नलिस्ट हैं या जो भी है आपके केस में, उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप इस पर लिखेंगे, अंततः आप इस कैलेंडर से चूज कर सकते हैं आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप बर्थ परफॉर्मेंस इसमें देंगे कि आपको लोअर, मिडिल, अपर, साइड लोअर, साइड मिडिल, साइड अपर, कौन सी सीट आप परफॉर्मेंस करते हैं उसको आप लिखेंगे। इसके बाद मोर प्रेफरेंस, आप कोई और वेज, नॉन वेज, कोई फूड, आप अगर जैसे राजधानी शताब्दी में यात्रा करना चाहते हैं वह आपको चाहिए तो आप इसमें क्लिक करेंगे। आईडी कार्ड के लिए इसमें इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें जो ऑप्शन आप चूज करेंगे उसको आपको ट्रेन में साथ ले जाना आवश्यक है, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, गवर्नमेंट इशू आई कार्ड, स्टूडेंट आई कार्ड, बैंक की पासबुक, क्रेडिट कार्ड विथ फोटो, फोटो वाला क्रेडिट कार्ड या आधार कार्ड, आप इनमें से कोई भी एक चूज करेंगे। जबकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आधार कार्ड से ही इसको वेरीफाई करें, क्योंकि आधार कार्ड अब कॉमन डॉक्यूमेंट्स हो गया है, इसको सभी लोग साथ में रखते हैं। तो जो भी आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर एड इंटर आईडी कार्ड नंबर, आपको इसमें जो आप आधार कार्ड या जो भी कार्ड आप इसमें चूज करेंगे उसका आईडी कार्ड नंबर भी आपको इसमें लिखना पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही आप ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे आपके पास पैसेंजर की लिस्ट आ जाएगी, और जब भी आप रिजर्वेशन करेंगे तब आप वहां पर इस मास्टर लिस्ट का ऑप्शन देखकर इसको क्लिक करेंगे, आप अपना रिजर्वेशन बहुत ही जल्दी और कम समय में करवा सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।